इससे पहले हैदराबाद में हमने बटेर की यखनी अपने होश संभालने से पहले तो नहीं देखी थी, लेकिन आजकल इन्होंने लिबर्टी फालूदा वालों ने इसको रिप्रेजेंट करा दिया है पहली बार हैदराबाद में। मेरे वाले साहब लाहौर गए थे तो वहाँ पर ये दरअसल ट्राई कर आए थे बटेर की यखनी, तो वहाँ पर आकर फिर यहाँ पर सिंध में तो किसी ने भी मतलब के लगाया नहीं था, तो फिर वहाँ से आकर भी ओपन ने फिर ट्राई करा था, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है इस चीज़ को। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान फैसल रहमान, आप देख रहे हैं डेली हैदराबाद। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद में लिबर्टी चौक पर, जहां पर सर्दियों की सौगात के हवाले से सूप तो आपने बहुत पिए होंगे, जो कि पहले आप चिकन सूप जो कि देसी मुर्गी और दूसरी मुर्गी का होता है, लेकिन इस बार हम आपको हैदराबाद के अंदर एक नया सूप मुतारफ़ करवाया गया है, जो आपको दिखाएँगे वो है बटेर का सूप और बटेर की जखनी। ये एक मुनफरिद आइडिया है जो कि हैदराबाद के अंदर बहुत मशहूर भी हुआ है, लोग मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं और ये इस जो सूप को इंजॉय भी कर रहे हैं और पी भी रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे आज कि ये किस तरह बनता है और इसके जो ऑनर हैं उनको ये मुनफरिद आइडिया कैसे आया कि उन्होंने इस सर्दी के इस मौसम में जो पहली मरतबा जो है बटेर की जखनी और बटेर का सूप लगाया है। इन्होंने ये बटेर जखनी का काम शुरू किया है, इसके मालिक और ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि उनको ये मुनफरिद आइडिया कैसे आया। जी सर, बताइएगा कि आपको ये मुनफरिद आइडिया कैसे आया कि आप हैदराबाद के अंदर जो चिकन सूप और दिगर सूप चलते हैं उसके अलावा आपने ये बटेर का सूप पहली मरतबा लगाया, क्या कहेंगे? दरअसल ये मेरे वाले साहब लाहौर गए थे तो वहाँ पर ये दरअसल ट्राई कर आए थे बटेर की यखनी, तो वहाँ पर आकर फिर यहाँ पर सिंध में तो किसी ने भी मतलब के लगाया नहीं था, तो फिर वहाँ से आके फिर ओपन ने फिर ट्राई करा था, आइडिया उनको ही था, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है इस चीज़ को, और मतलब के बहुत से व्लॉगर्स आ रहे हैं यहाँ पर पीने के, व्लॉग बनाने के लिए आते हैं, यखनी पीने के लिए आते हैं, फैमिलीज आती हैं, बहुत अच्छा मतलब के, क्योंकि दरअसल हैदराबाद में अभी तक तो जहाँ तक मेरा आइडिया किसी ने नहीं लगाया, और जहाँ तक ये बात रही कि मतलब कि यहाँ पर लगाए हुआ है लेकिन यखनी लगाते हैं लोग, ज़्यादातर चिकन की हो गई, देसी मुर्गी की हो गई, इस चीज़ के लगाते हैं, बटेर की आज तक हैदराबाद में किसी ने नहीं लगाया, फर्स्ट टाइम हमने ही स्टार्ट करा है इसको। और ये क्या है, आपके पास कोई मुनफरिद इसकी कोई मसाला जात कोई रेसिपी बनाने के लिए कोई अलग है आपके, या वही है जो अमूमन चलता है, या आपने अलग से तैयार की हुई है घर के अंदर? दरअसल ये मेरे वाले साहब का है, तो ये इसका जो फार्मूला जो है बिल्कुल जैसे भी रेसिपी जो है वो खुद ही करते हैं, हमें इस चीज़ का बता नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल चेंज है उससे, डिफरेंट टेस्ट है, मतलब कि देसी मुर्गी जैसा टेस्ट नहीं है इसका भी। जी सर, बताइएगा आप बटेर की जखनी पीने आए, कैसा टेस्ट है इसका और क्या कहेंगे इस हवाले से आप? क्योंकि मैं तो बटेर चिड़े खाता हूँ तो गुजरांवाला में जाके, क्योंकि रहायशी में वहीं का हूँ, तो हमने भी ARY वगैरह पे सुना इसका आया एडवर्टाइजमेंट, तो आज स्पेशली हम लोग आए हैं, मैं आए, काशिफ अली जट साहब आए, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आइडिया है, लोग खाने पीने वाले हैं यखनी वाले, तो अच्छा टेस्ट, सर्दियों की खुराक है ये, तो सर्दियों में मतलब जिस्म की जान वान बढ़ जाती है इसे। सर वाकई माशाल्लाह ये बहुत हमारे लिए सर्दियों में एक सौगात बनी पड़ी है, इससे पहले हैदराबाद में हमने बटेर की यखनी अपने होश संभालने से पहले तो नहीं देखी थी, लेकिन आजकल इन्होंने लिबर्टी फालूदा वालों ने इसको रिप्रेजेंट करा दिया है पहली बार हैदराबाद में, तो माशाल्लाह बहुत इसका अच्छा जायका भी है, अच्छा टेस्ट दे रही है, और सर्दी में बहुत ये हमारे लिए एक सौगात बनी हुई है, तो यही है कि अच्छी है, बस पीने में बहुत मज़ा आ रहा है इसको, तो हम पीते हैं इसको रोज़ाना अपनी थोड़ी मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी को, ये सर्दी में बहुत काम दे रही है।